थर्ड पार्ट है 3x-5y-4=0 एंड 9x=2y+7। तो पहले इसको हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। ये कन्वर्ट होके क्या बनेगा, 3x-5y=4 दूसरी तरफ जाके बन जाएगा +4। ऐसे ही ये इक्वेशन बन जाएगी 9x+2y, इस तरफ आके बन जाएगा -2y और 7 वहीं रहेगा तो बन जाएगा 7। इसको मैं क्या कह लूँ, इसको मैं कह लेता हूँ इक्वेशन 1 और इसको कह लेता हूँ मैं इक्वेशन 2। तो मुझे क्या करना है, पहले एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से किसी एक वैल्यू को मैं एलिमिनेट कर दूंगा, कुछ किसी एक वेरिएबल को, या तो वाई को या फिर एक्स को। ये होगा कैसे, जब दोनों सेम होंगे। तो मुझे क्या लग रहा है, सेकेंड इक्वेशन में 9x है और पहली इक्वेशन में 3y है। 3y को, 3x को मैं 9x बना सकता हूँ अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 वी गेट, हमको क्या मिलेगा, 3x बन जाएगा 9x, 5y बन जाएगा 15y और 4 बन जाएगा 12। ये इक्वेशन बन गई, नई फॉर्म हो गई थर्ड। अब मुझे क्या दिख रहा है, ये 9x है और ये भी 9x है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि 9x और 9x 18x हो जाएगा। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, सेकेंड इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं। 9x-2y=7, इसको क्या कर दूं मैं, सब्ट्रैक्ट कर दूं। तो मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस, इसका साइन चेंज होके माइनस माइनस, प्लस इसका साइन चेंज होके माइनस। तो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, 9x और -9x कैंसिल आउट, -15y और +2y, दो अलग अलग साइन हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। बड़े नंबर का साइन आता, बड़ा नंबर है 15, तो साइन आएगा 15 का माइनस, और बड़े में से छोटे नंबर को माइनस कर देते हैं, यानी ये बन जाएगा आपका 15 में से 2 माइनस करके 13y=, यहाँ पे भी सेम है, +12 है और -7 है, तो रिजल्ट मुझे मिलेगा 5। और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 5/-13। अब इस वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ इक्वेशन 1 में या 2 में। इक्वेशन 1 में करेंगे, कैलकुलेशन थोड़ा इजी रहेगी। पुटिंग y=5/-13 in equation 1 we get, हमको क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 में अगर मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ या पुट करता हूँ, 3 अपनी जगह पे, x अपनी जगह पे, माइनस अपनी जगह पे, 5 अपनी जगह पे, y की जगह पे 5, -13=, वैल्यू है 4। तो कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, ये बनेगा 3x-5/25 में क्या है, -13=4। तो ये जो माइनस है ऊपर जाके, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों बन जाएंगे प्लस, 3x+25/13=4। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट करेंगे
तो हमको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो ये 13 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 मल्टीप्लाई बाई 3x प्लस 25 अपॉन में आएगा हमारा 13 इज इक्वल टू 4, जिससे रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे, मुझे रिजल्ट मिलेगा यहां से 13 थ्री जा 39x प्लस 25, ये 13 यहाँ डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, 4 मल्टीप्लाई बाई कितना 13, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ है 39x प्लस 25 तो ये हो जाएगा 52, 25 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो यहां पे बचेगा हमारा 39, 39x इज इक्वल टू होगा 52 माइनस 25, 39x इज इक्वल टू, इसको माइनस करने पे आ जाएगा हमारा 27, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 39, 39 और एक्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, अगर साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई का साइन है तो दूसरी तरफ जाके 39 क्या बन जाएगा आपका डिवाइड में, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, एक्स इक्वल टू 39 जा 27, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, तो एक्स की वैल्यू आई मेरी 9 अपॉन 13 और वाई की वैल्यू आई थी मेरी 5 अपॉन माइनस 13। एक्स की वैल्यू कितनी आई, ये, और वाई की वैल्यू आई मेरी 5 अपॉन माइनस 13। दोनों वैल्यू को ब्रैकेट में पुट कर लेते हैं ताकि ये इजीली विजिबल हो, अगर कोई आंसर ढूंढे कि आंसर सही भी है कि नहीं तो हमें आसानी से मिल सके। थर्ड क्वेश्चन का ही पार्ट है, हमको क्या करना है इसको अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इक्वेशन क्या थी हमारी, इक्वेशन थी 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, जिसको हमने नाम दिया था इक्वेशन 1। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन थी हमारी 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, इसका नाम था इक्वेशन सेकेंड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, किसी में से किसी भी दो इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, या तो एक्स की निकाल लेंगे, एक्स इक्वल टू समथिंग कर लेंगे, एक्स को एक तरफ रखेंगे बाकी सारे वेरिएबल्स और नंबर्स को दूसरी तरफ, या फिर वाई को एक तरफ करेंगे बाकी सब वेरिएबल्स और नंबर को दूसरी तरफ। तो किसी भी एक इक्वेशन को चूज कर सकते हैं, कोई फिक्स रूल नहीं है कि कौन सी चूज करनी चाहिए। तो हम सेकेंड इक्वेशन चूज कर लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन में से क्या निकाल लेते हैं, वाई निकाल लेते हैं या फिर एक्स निकाल सकते हैं, कुछ भी आपकी मर्जी। वाई निकालने पे माइनस टू रहेगा इसलिए, तो एक्स निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, क्या हो सकता है 9x माइनस 2y इक्वल टू था 7, 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस 2y 7 के साथ जाके प्लस 2y में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ माइनस का है तो दूसरी तरफ जाके प्लस का। तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू होगा 7 प्लस 2y अपॉन 9, क्यों 9 और x के बीच में साइन था, मल्टीप्लाई नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है। तो x की वैल्यू ये आई, अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इक्वल टू 7 प्लस 2y अपॉन 9 इन इक्वेशन फर्स्ट,
ये हो जाएगा 3x की जगह आपने रखा 7 प्लस 2 y अपॉन 9, माइनस की जगह माइनस, 5 की जगह 5, y की जगह y इक्वल टू 4। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 9 क्या है, एक ऊपर है एक नीचे है, यानी एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर, तो 3 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये सिर्फ इसी के साथ है, 9 भी इसी के साथ है और 3 भी इसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए सपोज ये 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता तब ये कैंसिल आउट नहीं होता। ठीक है, पहले हम दोनों को देते, ठीक है, तो सीधे सीधे 3 से 9 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा 7 प्लस 2 y अपॉन बन जाएगा 9, कन्वर्ट हो गया 3, ये है -5 y इक्वल टू 4। तो अब क्या करेंगे, इसके अपॉन में क्या है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 होगा, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 2 y, एलसीएम लेंगे तो ये 3 हो जाएगा, इधर जाके मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 क्या कन्वर्ट होगा, 1 कन्वर्ट होके बनेगा अपॉन में 3, तो 1 किस में बदल गया, 3 में, 1 3 टाइम्स हो गया, तो इसका मतलब 5 भी 3 टाइम्स होगा, 5 3 15 y इक्वल टू 4। अब एक ही स्टेप में इन दोनों को सॉल्व भी करेंगे और 3 को अपॉन में है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7, दोनों के साइन अलग अलग है, ये -15 है, ये +2 y है, सॉरी -15 y +2 y। तो अगर साइन अलग अलग होते हैं तो सब्ट्रैक्शन होता है और बड़े नंबर का साइन आता है, बड़ा नंबर है 15, 15 का साइन है माइनस, तो माइनस लगा देते हैं, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर देते हैं, 15 -2 13 y अपॉन में 3 था जो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई में 3 हो गया। यहां से 7 -13 y इक्वल टू आ जाएगा 4 3 12, ये 7 यहाँ एडिशन में है, 7 के आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस का है, दूसरी तरफ जाके ये बन जाएगा माइनस का, -13 y इज इक्वल टू हो जाएगा 12 -7। इसको आप सॉल्व करेंगे, -13 y इक्वल टू हो जाएगा 5। तो यहां से जो वैल्यू आती है हमारी वाई की, वो क्या होगी, 13, -13 को आप, या फिर माइनस थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, अगर आप कंफ्यूजन कंफ्यूज होता है, क्योंकि कंफ्यूजन होगा आपको कि -13 है, दूसरी तरफ जाके +13 होगा ना, सिर्फ आप ये देखिए वाई और 13 के बीच में साइन किसका है, मल्टीप्लाई का, तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड का हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, यहां से माइनस वाई, माइनस को भी यहीं रहने दीजिए, सिर्फ 13 को भेजिए, 13 दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा, अपॉन 13, 5 अपॉन 13। अब आप वाई दोनों तरफ सोचिए, या तो माइनस को भेजा सोचिए, या फिर ऐसे सोचिए कि दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और इधर बन जाएगा प्लस वाला टर्म माइनस का। अब ये तो वैल्यू आ गई वाई की, वाई की वैल्यू एक्स पे इस वाली इक्वेशन पे रखेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू भी मिल जाएगी, सेंस एक्स इक्वल टू क्या था, एक्स इक्वल टू था 7 प्लस 2 y अपॉन 9, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस 2 की जगह 2, वाई की जगह ये टर्म आने वाला है, वाई की जगह आने वाला -5 अपॉन 13, इसके अपॉन में क्या है 9। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस 2 को अंदर भेजेंगे -10 अपॉन 13 अपॉन 9। ठीक है, अब 7 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, 1, तो 1 और 13 का एलसीएम 13 होगा, यानी 13 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 13, प्लस माइनस -10, एलसीएम कितना आया था हमारा 13, इस ऊपर वाले टर्म की बात हो रही है, नीचे अपॉन में 9 तो बना ही रहेगा, अपॉन में आया 9, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये आपका बन रहा है 13 7 91 -10 डिवाइडेड बाय 13 अपॉन 9। इसको सॉल्व करेंगे, 91 में से 10 माइनस करेंगे, 81 81 अपॉन 13, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 81 अपॉन 13,
और ये जो 9 है, चलिए फिलहाल इसको यहीं पे रखते हैं, या फिर मैं इसको ऐसे लिख ही लेता हूँ, ठीक है। 9 क्या बन जाएगा, 1/9। देखिए 9 यहाँ डिवाइड में है, तो 9 के नीचे कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, 1 होगा। तो ये पलट के क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई के साथ रिवर्स हो जाता है, 1/9। ये कैसे हुआ इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं। देखिए क्या हुआ, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी अगर हो, ठीक है। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो था ही नहीं, 9 के अपॉन में कुछ नहीं था, तो इसका मतलब क्या था, 1 था। तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ए अपॉन बी एज इट इज रहेगा, नीचे वाला टर्म बदल के मल्टीप्लाई में डी अपॉन सी हो जाता है। तो सेम केस यहाँ पे हो रखा है, ठीक है। तो ये कन्वर्ट होके ऐसा कुछ हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसकी जो वैल्यू आएगी आपकी एक्स इक्वल टू 9 से 81 कैंसिल आउट होगा, और ये रिजल्ट देगा आपको 9 9 81, यानी 9 और 13 अपॉन में बचा रहेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 9 अपॉन 13। तो पहले y की वैल्यू आई मेरी -5 अपॉन 13, और x की वैल्यू आई 9 अपॉन 13। इनको ब्रैकेट में पुट कर सकते हैं बॉक्स में, x की वैल्यू 9 अपॉन 13 और y की वैल्यू -5 अपॉन 13। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।